प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इस धरा में, विराट धरा में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से दोनों हाथ ऊपर उठा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। पहली बार आपका आगमन हमारे इस विराट भूमि पर हो रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया दीप प्रज्वलन करके दीप कन्या पूजन करने का कष्ट करेंगे। उनके साथ में माननीय कुंवर विजय शाह साहब, माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री साहब, सभी अतिथिगण हैं, कृपया वो कन्या पूजन करें। स्वस्ति वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे सबके सुपरिचित और अभी अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। इस मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के साथी, आपके जनप्रतिनिधि माननीय दिलीप जायसवाल जी, मैं भी उनका भी स्मरण कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका भी। मेरी परिषद की साथी श्रीमती अमिता चपरा जी, आपके अपने यहाँ की नेता श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्री जयसी मरावी जी, माननीय विधायक जयपुर श्रीमती मनीषा सिंह जी, जिन्हें अभी अभी अपना सारा विषय रख दिया, मेरा आधा वजन कम कर दिया मनीषा जी आपने, श्री शरद जुगल लाल कोल, शरद भाई आपका भी मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूँ। श्रीमती मीना सिंह जी, सुश्री, ये थोड़ा दीदी ने गलती करी, मैं सुश्री जो टाइप कर दिया, सुश्री हमारी बहन है मीना दीदी, जोरदार तालियां मीना दीदी के लिए। पूर्व मंत्री और वर्तमान ढाकड़ विधायक हमारी बहन है, बात समझ में आया तो बहुत अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो फिर देर नहीं करती दीदी हमारी, हमारे लिए सब प्रकार के कामों के लिए लगातार अपने जनता के लिए लड़ने वाले कोई नेता है तो मीना दीदी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बिसाऊलाल जी अभी शायद कहीं, अच्छा, माननीय बिसाऊलाल जी अनूपपुर के, जोरदार अभिनंदन करें बिसाऊलाल जी का। शिवनारायण जी बांधवगढ़, कमल प्रताप जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री रामदास पुरी जी जिला अध्यक्ष अनूपपुर, वाह रामदास जी जोरदार, अभी तो भगवान राम का समय चल रहा है। दिलीप पांडे जी उमरिया जिला अध्यक्ष, दिलीप जी के लिए अभिनंदन करें, वंदन करें। श्रीमती जिला पंचायत सदस्य उमरिया और अन्य अन्य पीताम्बर टोपनानी जी, जोरदार तालियां पीताम्बर जी के लिए, आपके प्रभारी भी हैं, और नाम तो इतने सारे हैं लेकिन मैं समय की कमी है क्योंकि मैं वैसे भी देरी से चल रहा हूँ और ऐसा मन रहा है कि ये जो शाम के समय जल्दी हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा, पहले तो देरी से आने की आप सबको पहले हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, थोड़ा देरी से आया, उम्मीद कर रहा हूँ देर से आए, लेकिन आपसे प्रेम के कारण आया कि मेरे भाई बहनों से मिलना है और शहडोल में मिलना है तो जरूर आऊंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यद्यपि मैं पहले भी आया हूँ शहडोल में, जब मैं शिक्षण मंत्री था उसके पहले मध्यप्रदेश विकास के लिए टूरिज्म का जो काम चलता है तो टूरिज्म विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, और उस समय भी मैंने शहडोल के अंदर कई कई अलग अलग प्रकार के काम किए थे। आज ये हमारी कलचुरीकालीन विराटेश्वर भोलेनाथ की कंकाली माता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपने इस शहडोल की नगरी को वसुंधरा में, वसुंधरा विराट की नगरी वसुंधरा, क्या बात है, ये हमारा शहडोल का पूरा क्षेत्र महाभारत कालीन विराट नगरी जिसको आधार पर पांडवों ने भी अपना समय गुजारा था, ये उस नगरी की याद दिलाती है जहां पर हमारे अपने भले वनांचल के रहने वाले नागरिक गण है, भाई है बहन है, लेकिन अपनी निष्ठा से, अपनी अंदर की अंतर की मन की भावना से ना केवल प्रकृति को प्रेम करते हैं बल्कि अपने इस लोकतंत्र की मिसाल बन करके सर्वाधिक रूप से हमारी पार्टी के प्रति विचार और विश्वास व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि पूरा का पूरा जिला अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आया उसमें से हमारा शहडोल जिला भी आया है,
अनूपपुर भी आया है और उमरिया भी आया, पूरा का पूरा संभाग दोनों हाथ जोड़ करके वाकई आपका आभार मानता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही करंट आ जाता है हम सबको, हम सब आनंदित हो जाते हैं। और ऐसा लोकतंत्र का मुखिया जिसका जीवन का क्षण क्षण अपने देश की प्रगति के लिए, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, जिसने केवल इस देश में चार श्रेणी बना करके सबको अपने विकास के रथ के साथ करने का प्रयास किया, किसान, महिला, युवा, गरीब, अब इनको छोड़ दो तो बचेगा क्या, अर्थात पूरे देश के 142 करोड़ देशवासियों के लिए जो लगातार जी रहे और आगे बढ़ रहे हैं सबके लिए, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से जिस प्रकार से आपने हमारा साथ दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे इस विकास के आयाम को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने इस अलग अलग प्रकार की योजना लेके चल रहे हैं, 15 तारीख को फिर एक योजना जनमन योजना है ना, कहां से मिलेंगे अपन, है ना, अनुसूचित जनजाति विभाग से, और ये भी ट्राइबल बहुल है अपना, शहडोल पूरा ट्राइबल बहुल है, और ये ट्राइबल के लिए खास करके वर्तमान के दौर में मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कोई ने नहीं किया, भूतों ने भविष्यति, इतना काम मोदी जी कर रहे हैं हमारे अपने अन्न श्री अन्न मिलेट, आप बताइए कैसे लोग हैं जो हमारा वर्षों वर्षों से खा करके आनंद के साथ शरीर बलिष्ठ करने का हमारी परंपरा थी, उस अन्न को गरीबों का अन्न करके एक तरफ रख दिया, और सच मानिए आप बताइए, ये आप अपने किसी अच्छे पंडित से कहिए, कहीं भी पूजा कराते हो और पूजा में जब वो कंकु रोली लगाएंगे तो सिर पे गेहूं लगाएंगे क्या, क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे देश का धान अगर है तो चावल है, कोदो है, कुटकी है, ज्वार है, बाजरा है, ये हमारे देश का अन्न है, इस नाते से हमारे मस्तक पर धारण करते हैं, इस नाते से हमारी पूजा पाठ में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हमारे अपने मूल अन्न को एक तरफ रख करके जो हमारे गरीब आदिवासी भाई बहन बड़ी पैमाने पर उत्पादन करते हैं, उनको लगातार गरीब बनाने के लिए, उनके जीवन में एक तरह से अपनी निराशा लाते हुए ये गरीबों का अन्न किया, मुझे इस बात का गर्व है नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान वापस दिलाया है कि अगर पौष्टिक और शुद्ध आहार करना है, अपने आप को शरीर को अच्छा रखना है, तो मिलेट का अर्थात मोटे अनाज का वर्तमान में बाजार बनाते हुए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी ये धरती तो रानी दुर्गावती वाली धरती है, पिछले समय हमने जबलपुर के अंदर कैबिनेट की थी, हमने निर्णय किया कि अगर पहली कैबिनेट करना होगी तो पहली कैबिनेट रानी अवंतीबाई और अवंतीबाई के साथ साथ रानी हमारी दुर्गावती दोनों को स्मरण करके हमने कैबिनेट उनको समर्पित की, और क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ तो अपने इस देश की संस्कृति है, हमारे यहाँ अपने इस देश के अंदर के अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जब माताओं बहनों ने अपने पुरुषार्थ से अपने पराक्रम से देश के लिए मार्ग बताया, आपको ध्यान में होगा मुगलों की सत्ता को चुनौती देने के लिए आगे बढ़कर के जिसने अपने पूरे देश का अलग से मार्ग प्रशस्त किया, ऐसी महारानी रानी दुर्गावती का भी ये क्षेत्र रहा है, हम उनको स्मरण करें, और उसी आधार पर रानी दुर्गावती के आधार पर हमने अपनी उस दुर्गावती योजना चालू की है जिसके माध्यम से हम कोदो कुटकी के खरीदने पे 1,000 रुपया कुंटल अलग से देने वाले हैं, इसका निर्णय हमने रानी दुर्गावती के नाम पे किया है, 10 रुपए किलो अर्थात निश्चित रूप से 1,000 रुपया कुंटल अब हमारा अपना यहाँ का अन्न बेचेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। मैं आज जहाँ आया हूँ अपने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजना लेके आया, लेकिन आज का समय तो थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा विलंब से आया हूँ, इसकी क्षमा भी चाहता, मैंने पहले भी कहा है, शहडोल में सुपर फूड सहजन जिसको मुनगा बोलते हैं उसकी उपज बहुत होती है, ये 10 दूसरे राज्यों में भी जाता है और टेस्ट इतना बढ़िया है कि उंगली चाटते रह जाओ, इतना आनंददायक बनता है उसका जो टेस्ट आता है, वो जो एक बार जिसके जीवन पे आता है वही महसूस करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस जिले के अंदर बेगा, गौंड,
कोल जनजातियों की ये जो अपनी बड़ी आबादी है जिनके आधार पर ये हमारी पहाड़ी और वनांचल ये अलग से अपनी पहचान बनाने में पहाड़ों के कारण से कई व्यवस्थाओं के कारण से पीछे रह जाता है। अब जरूरत नहीं रहेगी, सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाला कोई संभाग होगा तो वह अपना शहडोल संभाग होगा, ये निर्णय भी हमने किया है। किसी बात की कोई कमी आपको आने नहीं दी जाएगी। अभी मनीषा जी ने हमारे सामने बात रखी, आप बताओ पूरे प्रदेश के अंदर एक कॉलेज को विश्वविद्यालय में बदलने वाला कहीं रिकॉर्ड बना है तो वो हमारा अपना ये शहडोल का अपना कॉलेज बना है जहां पर हमने कैंपस यूनिवर्सिटी बनाई है। लेकिन कैंपस यूनिवर्सिटी में भी बहन ने एक मांग रखी, सारे जनप्रतिनिधियों ने मांग रखी कि हमको कॉलेज की कमी पड़ रही है, तो मैं एक कॉलेज और देने की घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से आपके शहडोल के अंदर एक और नया कॉलेज खोला जाएगा जिसके माध्यम से आपकी जो पुरानी मांग है आपके इस विश्वविद्यालय के अंदर, एक अकेले खड़े होने से थोड़ी काम चलता, मांग तो सब रहे थे, ताली बजाओ तो सब बजाओ, आनंद आना चाहिए। आपके लिए कोई नए कॉलेज की घोषणा कर रहे हैं और कॉलेज की घोषणा करते हैं तो कॉलेज किसी के आनंद के लिए नहीं होता, कॉलेज आने वाली पीढ़ी के लिए विकास का नया दरवाजा खोलता है जिसके बलबूते पर नया भविष्य गढ़ने के लिए एक नई संभावना निकलती है। और ऐसे समय में जब नई शिक्षा नीति लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था, हमने नई शिक्षा नीति लागू करके पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने शिक्षा नीति लागू की है तो हमने लागू की थी, मध्य प्रदेश के अंदर लागू की थी, और उसके माध्यम से हमने उस शिक्षा नीति के अंदर सभी प्रकार के विषयों को जोड़ते हुए विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। डिग्री अगर लेने जाए विद्यार्थी तो लगना चाहिए कि हाँ हमारा कोई विद्यार्थी है। अरे हमारे विद्यार्थियों के अतीत के उदाहरण तो देखो, भगवान राम का उदाहरण, वो अपने गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने और पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान में अपनी मेघा से अपनी प्रतिभा से उनकी कैसी पहचान बनती है। हमारे भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद इतने बड़े पराक्रम के बाद, मौका तो ऐसा था और कोई होता देश तो कंस को मारने के बाद जो पराक्रम करता वो पहले कुर्सी पे बैठता, पहले सिंहासन पे बैठता, लेकिन मुझे गर्व है अपनी हिंदू संस्कृति पे, भारतीय सनातन संस्कृति पे। 5000 साल पहले भी कंस को मारने के बावजूद भी समाज जनों ने मिलकर के निर्णय किया कि भगवान कृष्ण ने भले पराक्रम कर दिया होगा बहुत बड़ा, लेकिन अभी शिक्षा बाकी है, क्योंकि वो गोकुल और वृंदावन से आ गए थे, इसलिए शिक्षा दीक्षा की जरूरत होना चाहिए। तो उज्जैन सांदीपनी आश्रम जाकर उनकी 64 कला 14 विद्या चारों वेद सब प्रकार से निष्णात होकर के जब भगवान ने बाद का जीवन जिया जिसके माध्यम से आज भी वो धर्म ग्रंथ, पवित्र धर्म ग्रंथ भगवान कृष्ण को याद करो या पवित्र गीता को याद करो, अपने आप हम दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जीते जी, गोपाल जो गाय पालने वाले परिवार से आते आते शासन की सभी व्यवस्थाओं में जीवन के उत्कर्ष आदर्श को जीते जीते, जिसने महाभारत के अंदर अपने ज्ञान से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से और आखिरी में विराट स्वरूप से कर्म की शिक्षा दी, ये जो भावना हमारी संस्कृति की है कि आप मानवोचित संस्कार को धारण करके जो आएगा वो जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर हम पृथ्वी पे आए हैं तो कर्म को हम सर्वोच्च स्थान दे। यही कारण है आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी नरेंद्र मोदी जी जिनका अपना स्वयं का कोई परिवार नहीं है लेकिन वो 142 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान के चलते हैं। ये जो आप अंदर का भाव है ये सनातन संस्कृति का भाव है और इसी आधार पर हमारे विकास के सभी काम चल रहे हैं, एक के बाद एक जीवन के सब क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप कभी अंदाजा लगा सकते हो राष्ट्रपति कोई अनुसूचित जाति परिवार से हो सकती है? ये केवल एकमात्र कारण से हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाँ
द्रौपदी मुर्मू हमारे इस देश की वासी है, उड़ीसा जैसे राज्य से जनजाति परिवार की है, लेकिन इस देश की प्रथम नागरिक बन सकती है। हम अपने राष्ट्रपति में भी आज मौका देकर के गौरवान्वित है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। जब हम सबको साथ लेके चलने की भावना करते हैं, सब सबको साथ लेके खड़ा करने की भावना करते हैं, तो हमको ये निश्चित रूप से जातिवाद के भेद से भी बाहर आना पड़ेगा। हमको सबको साथ में खड़ा रख करके दिखाना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। हम अपने डबल रोल की जिंदगी से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमारी जिन पे आस्था है वो आस्था का प्रकटीकरण भी होना चाहिए। और आस्था का प्रकटीकरण करने में अगर सुप्रीम कोर्ट साथ में आती है, अब बताइए अयोध्या के अंदर भगवान राम के निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कोई ने मन से बनाया क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करने के लिए सरकार के पास 56 इंच के कलेजे वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने कहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे और हम लागू करेंगे। आप स्मरण करो, आज से 36 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 3 तलाक गलत है, लेकिन देश में जो सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनमें ये हिम्मत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के लागू किए निर्णय को देश में लागू करा सके। इसलिए जो निर्णय कोर्ट ने दे दिया उसको संसद के माध्यम से बदल दिया। अरे भाई क्यों? मुस्लिम बहनें हमारी नहीं है क्या? उनके जीवन में आने वाले कष्ट का एहसास नहीं है क्या? लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करते, इसलिए राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो उसके लिए भी लागू करने के लिए आगे बढ़े। और पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस फैसले को भी 56 इंच वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू करके बता दिया कि देश ऐसे अच्छे फैसले का इंतजार करता, अभिनंदन करे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सरकार होती काय के लिए? सरकार इसी बात के लिए होती है कि जीवन के किसी भी कष्ट के समय में, कोई भी कठिनाई में, कोई भी तकलीफ में, सरकार का अपना एक आशियाना, सरकार की अपनी छतरी, सरकार की अपनी सहायता हिम्मत के साथ होना चाहिए। इसलिए कोविड जैसे खराब समय में भी डंके की चोट अपने पूरे देश की ना केवल रक्षा की, बल्कि हमने देखा जो बच्चे विदेश में थे, जिनको कहीं शिक्षा के कारण कोई रूस में था, कोई यूक्रेन में था, जो जहां था हर जगह से उनको ला करके अपने घर में एक एक बच्चे को पहुंचा करके इस बात को सिद्ध किया कि ना केवल देश के अपने नागरिकों की रक्षा कर सकते, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी जरूरत पड़े सरकार के माध्यम से उनकी मदद करने के लिए भी कोई सरकार अगर सक्षम है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार सक्षम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने वाकई अपने हृदय कमल से हमारे पे जो विश्वास व्यक्त किया है, विकास पे जो विश्वास किया है, हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास किया है, और हमने जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र के माध्यम से दिया है, एक एक अक्षर वैसा का वैसा ही नीचे उतरेगा। हमारी सरकार 5 साल के लिए बनाई हुई है, पूरी की पूरी सरकार सभी कामों को लागू करेगी। और अभी तो 22 तारीख को राम मंदिर का मसला हमारे सामने आ रहा है, बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस जिस मार्ग से राम भक्त जाने वाले हैं उस मार्ग पे सबका अभिनंदन करने के लिए पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेगी, वंदन करेगी। हमारे उसके बाद 26 जनवरी का समय आने वाला, आजादी के अमृत काल का प्रारंभ है। आजादी के अमृत काल में अलग अलग राज्य के जिलों के अंदर जिसकी जैसी आवश्यकता है, उद्योग की, व्यापार की, व्यवसाय की, पशुपालन की, कृषि की, जहां जहां जैसी आवश्यकता होगी सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा, आपने हमारे पे विश्वास किया, इस आभार कार्यक्रम में वाकई आपने जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आकर यह समर्थन दिया है, मैं सारी जिंदगी इस क्षण को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।